भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर ने घर घर जाकर वोट मांगे और भाजपा नेता की हत्या पर दुख जताया। टूंडला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर ने आज पचोकरा क्षेत्र के गांव नगला गंगाराम में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बाहरी प्रत्याशी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका मकान टूंडला और जलेसर विधानसभा के बॉर्डर पर है। जलेसर विधानसभा से 40 गाँव टूंडला विधानसभा में आए हैं, इसकी हैसियत से वे किसी विधानसभा के हो गए हैं। अब रहने के लिए उन्होंने टूंडला में ही एक मकान भी खरीद लिया है, इसलिए अब कोई भी उन्हें बाहरी प्रत्याशी नहीं कह सकता। नगला बीच में हुई भाजपा नेता की हत्या पर उन्होंने कहा कि उनके मंडल के उपाध्यक्ष थे, उनकी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार 24। आप एटा के रहने वाले हैं और टूटा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में यदि जनता आपको समर्थन देती है तो उनकी उम्मीदों पर आप किस तरह खरा उतरेंगे? और जलेसर विधानसभा के बॉर्डर पर मेरा गांव है और जलेसर विधानसभा के 40 गांव टूंडला विधानसभा में आए हुए हैं और ये विधानसभा मेरी ही होती है। जब मेरी विधानसभा के 40 गांव आ जाएंगे तो मैं बाहर का प्रत्याशी कहाँ हूँ? तो मेरा अपनी विधानसभा होगी। फिर मैंने आवास भी टूंडला में ले लिया है। सर टूंडला के नगला बीच कस्बे में बीजेपी नेता की हत्या हुई, सर उसमें हम लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए वो घटना दुखद पूर्ण है। मैं भी उनके प्रति, क्यों मेरे मंडल के उपाध्यक्ष थे, मैं भी उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ता की हत्या हुई, जो भी दोषी है प्रशासन उसकी जाँच कर रहा है। थैंक यू।